ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखेंगे सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि क्या, कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं होते हैं तो वो कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर शो करता है, दिखाता है, वो होता है क्या, इनपुट। माउस है, माउस पे क्लिक करते हैं, कोई फाइल क्लिक किए तो वो क्लिक होके शो करता है, किसके द्वारा हुआ, इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर हमसे ले रहा है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बैक कैमरा, माइक्रोफोन, इतना सारा चीज है इनपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर क्या करता है, हमें उसका रिजल्ट शो करवाता है। जैसे कि मॉनिटर है, हम कुछ इमेज बना रहे हैं, चाहे कुछ खोले हुए हैं, तो वो हमें किसके द्वारा शो कर रहा है, मॉनिटर के द्वारा शो कर रहा है। उसी तरह से प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, तो ये सब का सब क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो सिस्टम हमें आउटपुट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी में आते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके इसमें आता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कि सिस्टम को वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करता है। आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ये उसमें लगा हुआ रहता है रैम, ठीक है। तो रैम क्या होता है कि कोई भी आप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कुछ भी ओपन करते हैं, उस पर चलाते हैं, तो वो सब रैम के द्वारा ही चलता है, ओपन होता है। जैसे मान के लीजिए एक एमएस वर्ड का फाइल खुला हुआ है, आप उस एमएस वर्ड के फाइल में कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ उसमें टाइप किए और क्या हुआ, जो टाइप किए वो सब शो कर रहा होगा किसमें, रैम में, क्योंकि सेव है नहीं। अगर वो सेव होता तो कहाँ चला जाता, हार्ड डिस्क में चला जाता, यानी कि सेव हो जाता, वो रैम में शो हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर मान के चलिए लाइट कट जाता है तो वो सारा का सारा डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा रैम से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रैम में कितने मेमोरी होती है। तो रैम के अंदर दो मेमोरी होती है, एक होती है एस रैम, स्टेटिक रैम, और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। सेकेंड में आते हैं रोम में। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी मॉडिफाई इसमें नहीं होता है। ये कंपनी लगा के फिक्स करके कंपनी इसको डाल के भेज दिया है कि जब इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होते हैं, ये सब मेमोरी जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर से आके लगाया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ये सब क्या होते हैं, बाहर से आप लगा सकते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि यह जो भी इनपुट और आउटपुट लेता है, डेटा प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। इसका जो भी काम करेगा, जितना भी हम वर्क करेंगे, वो सारा का सारा कंट्रोल सीपीयू में होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कुछ भी आप कीजिएगा, कोई फाइल खोलना है, सारा चीज, वो सारा कंट्रोल किसके अंदर हो रहा है, सीपीयू के अंदर हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट्स तीन तरह से हैं इसके अंदर सीपीयू में। एक होता है मेमोरी यूनिट एमयू, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एमयू क्या होता है, एमयू में आपका आ जाएगा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब। सीयू कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि यह किसी यह कंट्रोल करके रखे हुआ रहता है। हम सिस्टम के अंदर कुछ भी खोलते हैं तो सबका एक काम बटा हुआ है कि जो भी काम है जो वो करेगा, वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिर्फ कंट्रोल करना। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका काम क्या है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। अर्थमेटिक का काम अलग होता है, लॉजिक का काम अलग होता है।
अर्थमेटिक का काम क्या होता है कि वह सिर्फ जोड़ने घटाने सब्ट्रैक्शन करने इसमें उसका काम होता है। लॉजिक का काम होता है लॉजिक निकालने के। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू। सीपीयू में आपका आता है सिंगल कोर सीपीयू, जो कि सिंगल कोर एक कोर के अंदर लगा हुआ होता है। टाइप्स का बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ जानेंगे क्या क्या होते हैं। उसके बाद डुअल कोर सीपीयू है, जिसमें दो कोर लगे होते हैं, वो मल्टीपल यूजर होता है, उसमें आप दुनिया भर का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वाड कोर सीपीयू, इसके अंदर चार कोर लगे हुए होते हैं, जो कि काफी फास्ट काम करते हैं। उसके बाद हेक्सा कोर सीपीयू है, इसके अंदर छह कोर लगे हुए होते हैं। उसके बाद ऑक्टा कोर सीपीयू है, इसके अंदर आठ कोर लगे हुए होते हैं। तो ये सारा था आपका फंडामेंटल शुरू से लेकर लास्ट तक। कल हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और एमएस पेंट का स्टार्ट होगा पार्ट थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है, कल इसके आगे कंप्लीट होगा।